इंदौर के छत्रीपुरा पुलिस लाइन के सामने चल रहे एक शादी समारोह में मंगलवार रात जमकर हंगामा हुआ। यहां पीसीआर वैन के पुलिसकर्मी तेज आवाज में चल रहा एक डीजे बंद करवाने पहुंचे थे। इस दौरान शादी में मौजूद मेहमानों से उनकी कहासुनी हो गई। परिवार के लोगों ने पुलिसकर्मियों पर शराब पीकर बदतमीजी करने का आरोप लगाया, जिसके बाद मौके पर जमकर मारपीट और तोड़फोड़ हुई। पुलिस ने इस मामले में शादी वाले परिवार के युवक और महिलाओं पर पुलिसकर्मियों से मारपीट करने और अशासकीय काम में बाधा डालने का केस दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक धानक परिवार में महिला संगीत और खाने का कार्यक्रम चल रहा था। रात करीब 11:30 बजे यहां पुलिसकर्मी पहुंचे थे। उन्होंने तेज आवाज में चल रहे डीजे बंद करने को कहा। इस दौरान उनके यहां मौजूद लोगों से कहासुनी हो गई। परिवार का आरोप था कि पुलिसकर्मियों ने डीजे सिस्टम फेंक दिया, इसके साथ ही पूरा खाना भी फेंक दिया। तीनों पुलिसकर्मियों ने यहाँ जमकर हंगामा मचाया। 4 साल की बच्ची और दूल्हे के साथ भी मारपीट की गई। शादी में हुई मारपीट के बाद रहवासी और परिवार के लोग आक्रोशित हो गए। वही पुलिसकर्मियों के पीछे पीछे थाने तक आ गए, यहां जमकर हंगामा करते रहे। सूचना के बाद यहां पर द्वारकापुरी और अन्नपूर्णा थाने का बल पहुंचा। परिवार का आरोप था कि पुलिसकर्मियों ने शराब पी है, उनका मेडिकल कराया जाए, लेकिन थाने में मौजूद कुछ पुलिसकर्मियों ने उन्हें पीछे CSP ऑफिस के गेट से बाहर कर दिया।